मौसम में बदलाव एवं घने कोहरे को देखते हुए रेल प्रशासन अपने यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम यात्रा प्रदान करने के लिए तरह तरह की सुविधा प्रदान कर रही है। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा कोहरे को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों में फॉग सेफ डिवाइस तथा दृष्टता जांच का प्रावधान किया जा रहा है, जिसके संबंध में CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों के सुरक्षित एवं संरक्षित यात्रा के लिए रेलवे प्रशासन कोहरे में सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जरूरत के स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पटाखा सिग्नल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है तथा कोहरे से प्रभावित क्षेत्र में चलने वाले सभी गाड़ियों के इंजनों पर फॉग सेफ डिवाइस की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है तथा कोहरे में सिग्नल पता चले इसके लिए सिग्नल साइटिंग बोर्ड, फॉग सिग्नल पोस्ट, व्यस्त संपार एवं लिफ्टिंग बैरियर पर पीले एवं काले ल्यूमिस स्ट्रिप की व्यवस्था कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि कोहरे के मौसम में कार्य करने वाले सिग्नल मैन को प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ी का लाइन क्लियर देने से पहले दृष्टिता की जांच करने के निर्देश दिए भी गए हैं तथा लोको पायलटों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी गाड़ियों को नियंत्रित गति से चलाएं, अचानक आने वाले किसी भी अवरोध पर रुकने के लिए सावधान रहें तथा संपारों को नियंत्रित गति से लगातार सीटी बजाते हुए पार करें। रेलवे प्रशासन द्वारा प्रत्येक लोको पायलट के पास प्रत्येक स्टेशन से पहले स्टाफ सिग्नल का लोकेशन एवं किलोमीटर चार्ट कार्ड के रूप में कर्मचारी समय में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सभी अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों को कोहरे के मौसम में नियमित अंतराल पर संरक्षा अभियान, फुट पेट्रोलिंग, औचक निरीक्षण, रात्रि निरीक्षण एवं काउंसलिंग करके यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोहरे के पूर्व एवं कोहरे के दौरान सुरक्षित एवं सहज परिचालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पटरियों की निगरानी के लिए पेट्रोलिंग के फेरे बढ़ाए गए हैं तथा अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को अविलंब दूर करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, वर्ष की तरह इस बार भी विंटर्स अभी शुरू हो चुके हैं तो उसके लिए रेलवे ढेर सारी तैयारियां करता है। जैसे कि जो ट्रेन्स चल रही हैं पूर्वोत्तर रेलवे में, उसमें फॉग सेफ डिवाइसेस दी जा रही हैं सभी ट्रेनों में, चाहे वो गुड्स ट्रेन हो या फिर पैसेंजर ट्रेन हो। इसी प्रकार से जो वार्निंग बोर्ड्स होते हैं, जो सिग्नल बोर्ड्स होते हैं, जो लोको पायलट को देखने रहते हैं, साथ ही साथ लेवल क्रॉसिंग्स होती हैं जिसमें रोड यूजर्स के लिए भी रेलवे, जैसे स्पीड ब्रेकर का बोर्ड होता है या फिर जो बैरियर होते हैं वो दिखें नाइट में, उनकी विजिबिलिटी रहे, इसके लिए रेलवे ने उन सब पे रेट्रो रिफ्लेक्टिव पेंट या रेट्रो रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप लगाने का कार्य भी किया है। पेट्रोलिंग चार्ट बनाए जाते हैं विंटर्स में, जब टेम्परेचर एक स्तर से नीचे जाता है तो उसकी पेट्रोलिंग की जाती है, तो उसके अनुसार पेट्रोलमैन सेक्शन की पेट्रोलिंग करते हैं। तो विंटर्स में जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उसके लिए जो भी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं वो पूर्वोत्तर रेलवे पे उस तरह के दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं।
और इसका अनुपालन भी किया जा रहा है, जिससे कि ट्रेनों की जो सुरक्षा है, संरक्षा है और समय पालन है वो बना रहे। अभी जब से हम लोगों ने फॉग सेफ डिवाइस देना ट्रेनों में शुरू किया है, तब से पंक्चुअलिटी बेहतर हुई है, क्योंकि कोहरे के मौसम में भी फॉग सेफ डिवाइस के साथ अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियाँ चल सकती हैं। तो उससे लोको पायलट को भी कॉन्फिडेंस रहता है कि उसमें बताता है कि ये बेसिकली एक GPS बेस्ड सिस्टम है, जो कि ये बताता है कि अब अगला सिग्नल कितनी दूरी पर है, जो सिग्नल आने वाला है। तो उससे लोको पायलट को पता चल जाता है कि हाँ इतनी दूरी पर है, अब हमको दिखना चाहिए, अगर नहीं दिख रहा है तो स्पीड स्लो काटते हैं वो। तो इससे जो है पंक्चुअलिटी बेहतर हुई है। सर, रेल संचालन कर्मचारियों किस तरह निर्देश देते हैं? विंटर्स के लिए संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं, और इनको जो हमारे लोको पायलट हैं, जो हमारे पेट्रोलिंग के कर्मचारी हैं, जैसे पेट्रोलमैन हैं, कीमैन हैं, इनकी काउंसलिंग की जाती है। इनको बताया जाता है कि विंटर्स में क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है। अगर पेट्रोलिंग जो करता है उसको बताया जाता है कि अगर रेल फ्रैक्चर मिले तो फिर आपको किस तरीके से रेल की संरक्षा करनी है, कैसे रेल को सुरक्षित करना है और ट्रेन को सुरक्षित करना है। तो ये सभी प्रकार के जो काउंसलिंग के कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। जो इंस्पेक्शन शेड्यूल है वो बनाया जाता है इस हिसाब से कि रात में जो फुट प्लेटिंग होती है, जो इंजन के साथ बैठ के ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर्स जाते हैं, सो दैट कि उनको पता चल सके रात में कहाँ पेट्रोलिंग हो रही है। गेट मैनों के लिए उनका भी औचक निरीक्षण किया जाता है, पेट्रोलमैन का औचक निरीक्षण रातकालीन किया जाता है, जो स्टेशन हैं वहाँ भी निरीक्षण किया जाता है। तो ये सभी प्रकार की चीज़ें की जाती हैं जिससे कि रेलवे की संरक्षा पूरी तरह से सुदृढ़ हो सके। सर, इसमें ट्रेनों की क्या स्थिति है, क्या लेट से रहे के समय? अभी ट्रेनों की पंक्चुअलिटी पूर्वोत्तर रेलवे में लगभग 85% है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है, और लगातार हम लोग पंक्चुअलिटी को बेहतर करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। ट्रेनें बहुत ज़्यादा, जैसे अभी फेस्टिव सीजन जस्ट गुजरा है, फिर भी हम लोग स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं, कई ट्रेनें अभी भी एक्सटेंडेड हैं। तो उसका रीज़न ये है कि जो यात्रियों की मांग है उसके अनुसार हम लोग ट्रेनें चलाएं। साइड बाय साइड आप देख रहे होंगे कि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, जो डबलिंग का कार्य है या थर्ड लाइन का कार्य है या गेज कन्वर्जन का कार्य है, इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है, सभी प्रकार के कार्य पूर्वोत्तर रेलवे में तेज़ी से चल रहे हैं। क्योंकि जो मांग है यात्रियों की उसके अनुसार अगर हम लोगों को ट्रेनें चलानी है तो उसके लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, तो उस दिशा में रेलवे तेज़ी से कार्य कर रही है।